हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, करंट अफेयर का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आपके लिए लेकर आए। देखिए, भारत सरकार के द्वारा जितने भी पुरस्कार दिए गए, पद्म पुरस्कार, उनमें से हम मध्य प्रदेश में जितने भी दिए गए मध्य प्रदेश के लोगों को, वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपके लिए मध्य प्रदेश का ही काफी इंपॉर्टेंट रहता है एमपी की एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जितने भी लोगों को दिया गया है, सभी के बारे में हम डिटेल डिस्कस करेंगे और हर एक फैक्ट इनके बारे में कवर करेंगे, ताकि आपकी कोई से भी एग्जाम में ये इनसे अगर फैक्ट बने तो आप आसानी से क्लियर कर पाए। फाइनली स्टार्ट करते हैं और वीडियो को आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरा अंत तक जरूर से देखिएगा। गैस, सबसे पहले आपको बता दें कि आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल कहां पर मिलेगी। तो गैस, इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो हम हमारे एप्लीकेशन में डालेंगे, तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड जिन लोगों ने नहीं किया है वो कर लीजिएगा। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से आप डायरेक्टली जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड कर लेंगे तो वहां पर ये पीडीएफ फाइल आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। और ये जो पीडीएफ फाइल प्रोवाइड की जाएगी, ये एमपी स्पेशल करंट अफेयर की ईबुक है हमारी, एमपी करंट अफेयर 2021 की। इसमें इसको स्पेशल जो टॉपिक है उसमें हम डाल देंगे, तो वहां से आप इसको जाके रीड कर सकते हैं और वहां से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये पीडीएफ वाली आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब हम बात करते हैं कि आपको जो अगर कोर्स लेना है या फिर टेस्ट सीरीज लेनी है, तो कई दिन पर अभी 50% से अधिक का डिस्काउंट चल रहा है। यहाँ पर देखिए 62% और यहाँ पर देखिए 50% समथिंग डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर परचेस कर सकते हैं। फाइनली अब हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं पद्म पुरस्कार के बेसिकली थोड़े से बेसिक जो फैक्ट है उनके बारे में। देखिए, पद्म जो पुरस्कार है ये तीन श्रेणियों में दिया जाता है, आपको पता होना चाहिए। तीन श्रेणियां कौन कौन सी है? तीन श्रेणियां पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। इन तीन श्रेणियों में इसको प्रदान किया जाता है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। इनकी आप इमेज भी देख सकते हैं ताकि आप आसानी से समझ पाए। और ये जो पुरस्कार है किस किन किन क्षेत्रों में और किन किन विषयों में दिया जाता है, तो विभिन्न विषयों गतिविधियों के क्षेत्र में ये दिया जाता है। कला के क्षेत्र में, सामाजिक कार्य के क्षेत्र में, साथ ही सार्वजनिक मामले, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग, व्यापार एवं उद्योग, चिकित्सा, साहित्य, शिक्षा, खेल, नागरिक सेवा आदि जो गतिविधियां या क्षेत्र है इनमें ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। क्लियर है? और पद्म विभूषण जो पुरस्कार दिया जाता है असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है, पद्म विभूषण। पद्म भूषण दिया जाता है उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा के लिए, और पद्मश्री जो दिया जाता है ये किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किए जाने वाला पुरस्कार है या प्रदान किए जाते हैं। तो बेसिकली यहां से आपको पता चल चुका है कि पद्म पुरस्कार कितनी श्रेणियों में दिया जाता है, किन क्षेत्र में दिया जाता है और किन कौन सा पुरस्कार किसे दिया जाता है, ये यहां से हमें पता चल चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़े से और 2021 में जो पद्म पुरस्कार दिए गए वो भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं, कब स्थापित किए गए थे। 1954 में पद्म पुरस्कारों को स्थापित किया गया था। और इन पुरस्कारों की घोषणा कब की जाती है, तो गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है प्रत्येक वर्ष। राष्ट्रपति जी के द्वारा ये पुरस्कार राष्ट्रपति भवन में आमतौर पर हर साल मार्च अप्रैल के आसपास आयोजित एक समारोह में प्रदान किए जाते, बट यहाँ पर कोविड की सिचुएशन के कारण एक दो साल से ये थोड़ा सा डिले हो रहा है, तो इसलिए बाकी हर साल मार्च अप्रैल में जो आसपास यहाँ पर एक समारोह आयोजित किया जाता है जिसमें ये पुरस्कार प्रदान किए जाते थे। और इनकी घोषणा प्रत्येक गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है। पद्म पुरस्कार मरणोपरांत भी प्रदान किए जाते हैं, इसके अतिरिक्त ये पुरस्कार विदेशियों को भी प्रदान किए जाते हैं। पद्म विभूषण और पद्म भूषण भारत रत्न के बाद देश के क्रमशः दूसरे और तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान है। ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा, भारत रत्न के बाद देश के क्रमशः दूसरे और तीसरे सबसे बड़े सम्मान है नागरिक सम्मान। क्योंकि क्वेश्चन बनता है कि भारत रत्न के बाद में बताइए दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा है, ऐसा ही क्वेश्चन बन चुके हैं। क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़े से और। देखिए, यहाँ पर अगर हम आगे बढ़े तो हमें बात यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले कि 2021 में जो पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए हैं ये कितने लोगों को प्रदान किए गए हैं। देखिए, हाल ही में भारत के राष्ट्रपति जी ने राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2021 के लिए 119 चयनित व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए हैं। अब 2021 में जो पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए हैं इनकी संख्या भी हम देख लेते हैं, और ये डेटा आपसे जरूर पूछा जाएगा। पद्म विभूषण की जो संख्या है गाइस 7 है, यानी भारत में 7 पद्म भूषण 2021 में प्रदान किए गए 7 व्यक्तियों को। इसके अलावा पद्म भूषण 10 व्यक्तियों को दिया गया है, साथ ही पद्मश्री 102 व्यक्तियों को दिया गया है। अगर हम कुल बात करें कि पद्म पुरस्कार टोटल कितने व्यक्तियों को दिया गया है, तो 119 चयनित व्यक्तियों को दिया गया है। इनमें 7 पद्म विभूषण है, 10 पद्म भूषण है और पद्मश्री की संख्या है 102। अब आइए अब हम आगे बढ़ते और बात करते हैं मध्य प्रदेश पद्म पुरस्कार के बारे में। देखिए, 8 नवंबर 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी है हमारे, आपको याद होना चाहिए, इन्होंने मध्य प्रदेश के 4 व्यक्तियों को वर्ष 2020 के पद्म पुरस्कार
जो है पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया है। कब किया है? 8 नवंबर को किया है इन्होंने। एक समारोह आयोजित किया जाता है, मार्च अप्रैल में किया जाता था, वो कोविड के कारण 8 नवंबर और 9 नवंबर को ये समारोह आयोजित किया गया था। इसमें मध्य प्रदेश के 4 व्यक्तियों को 2020 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा 9 नवंबर 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम में मध्य प्रदेश की 3 विभूतियों को वर्ष 2021 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान किए हैं। ध्यान रखिएगा, पद्म पुरस्कार प्रदान, 3 पद्म पुरस्कार प्रदान किए हैं, पद्मश्री की संख्या 4 है। और यहाँ पर गाइस एक चीज और आपको बता दें कि पद्म भूषण जो पुरस्कार दिया गया है, पद्म भूषण ये सुषमा जो है सुमित्रा महाजन को दिया गया है, माफ कीजिएगा, सुमित्रा महाजन को यह दिया गया है, बाकी सभी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बाकी हम आगे डिटेल डिस्कस करेंगे। तो 7 लोगों को मध्य प्रदेश से ये मिला है, ये इतना भी आप याद रखिएगा, 7 लोगों को मध्य प्रदेश से पद्म पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। गाइज आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें, हमारे नए चैनल पर हम नेशनल लेवल का जितना भी करंट अफेयर आपकी एमपीपीएससी, एमपी पुलिस, एमपी जेल प्रहरी, एमपी के एग्जाम में पूछा जाता है, खासकर टॉपिक वाइज, जैसे ब्रांड एम्बेसडर वगैरह पूछ लिया जाता है, इसके अलावा मेले उत्सव महोत्सव पूछ लिया जाता है, इस तरह के टॉपिक वहां पर हम करवा रहे हैं टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चन के माध्यम से। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम आपको लिंक दे देंगे ताकि आपको आसानी से वो मिल जाए। देखिए यहाँ पर अगर हम सबसे पहले बात करें तो गाइस सुमित्रा महाजन के बारे में बात करेंगे। देखिए सुमित्रा महाजन, केंद्र सरकार ने पद्म अवार्ड के लिए जिन व्यक्तियों को चुना है उनमें पद्म भूषण के लिए एक प्रमुख खास नाम, लोकसभा के पूर्व स्पीकर ये हैं और इंदौर की पूर्व सांसद बीजेपी नेता है सुमित्रा महाजन, इनका नाम भी शामिल है और इनके भी जो है पद्म भूषण के लिए चुना गया है केंद्र सरकार के द्वारा। सबसे महत्वपूर्ण बात, इनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, इनका जन्म कहां पर हुआ है? गाइस इनका जन्म हुआ है 12 अप्रैल को 1943 में, महाराष्ट्र के चिपलून में इनका जन्म हुआ है, ये मध्य प्रदेश की नहीं है, इनका जन्म जो है महाराष्ट्र में हुआ था, ध्यान रखिएगा। और इंदौर जो है इनका ससुराल था और यहीं से जो है, यहीं जयंत महाजन नाम से कोई थे, उनसे इनकी शादी हुई थी। तो गाइस आपको बता दें इंदौर से ही ये जो है लगातार सांसद रही है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे, और पूर्व लोकसभा स्पीकर भी ये हैं। 1989 में पहली बार लोकसभा चुनाव इन्होंने लड़ा था और इस पहली ही बार में कांग्रेस के नेता और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे प्रकाश चंद्र सेठी, इनको इन्होंने हराया था। पहली बार ही चुनाव लड़ने में इन्होंने, मुख्यमंत्री थे पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के, उनको हरा दिया था, ध्यान रखिएगा। और पहली बार चुनाव कब लड़ा था लोकसभा का, तो ये लड़ा था 1989 में, ये डेट भी आप याद रखिएगा। जो जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं हमने हाईलाइट कर दी है तो आप ध्यान रखिएगा उनके बारे में। और देश की एकमात्र महिला सांसद है जो कभी लोकसभा चुनाव नहीं हारी है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, देश की एकमात्र महिला सांसद कौन है जो कभी भी लोकसभा का चुनाव नहीं हारी, इनका नाम है सुमित्रा महाजन। और लगातार 8 बार एक ही सीट और एक ही पार्टी से जीत कर संसद तक ये पहुंची है, लगातार 8 बार। कहां से सांसद रही है ये? इंदौर से सांसद रही है, ध्यान रखिएगा, लोकसभा की पूर्व स्पीकर भी है। तो इनको केंद्र सरकार ने पद्म भूषण पुरस्कार के लिए चुना है और इनको अब मिल भी चुका है, इनको सम्मानित भी कर दिया गया है, ध्यान रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते नेक्स्ट पर्सन की ओर। अब अगली है हमारी भूरी बाई। देखिए भूरी बाई कौन है? तो भूरी बाई जो है आदिवासी लोक कलाकार ये है और इनको जो है इस बार पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया है। मध्य प्रदेश की भूरी बाई ये है, झाबुआ जिले की, एक्चुअली में याद रखिएगा। अब ये जो भूरी बाई है ये आदिवासी लोक कलाकार है जो अपनी चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है, चित्रकारी पेंटिंग ये करती है। और जन्म इनका कहाँ पर हुआ है? तो मध्य प्रदेश के झाबुआ जिलों के, झाबुआ जिला जो है यहाँ पे पिटोला गांव है और यहाँ पिटोला गांव में इनका जन्म हुआ है भूरी बाई का। गाइस पिटोला की भूरी बाई अपनी चित्रकारी के लिए कागज और कैनवास का इस्तेमाल करने वाली प्रथम भील कलाकार है और प्रथम भील कलाकार लग गया है यहाँ पर प्रथम, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया है। अब क्वेश्चन आपसे बनेगा कि यहाँ पर कागज और कैनवास का इस्तेमाल करने वाली प्रथम कलाकार कौन है? इनका नाम आपको बताना है, भूरी बाई इनका नाम है जो कि प्रथम भील कलाकार ये है। और इसके अलावा इनसे और फैक्ट पूछे जाते हैं, उन्हें मध्य प्रदेश सरकार से सर्वोच्च पुरस्कार सीकर सम्मान से 1986-87 प्राप्त हो चुका है। 1998 में मध्य प्रदेश सरकार ने उन्हें आलिया अहिल्या सम्मान जो है इससे विभूषित किया था, ध्यान रखिएगा अहिल्या सम्मान से इनको सम्मानित किया गया था 1998 में, और 1986-87 में सीकर सम्मान इनको दिया गया था। तो ये सभी सम्मान भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, हमने हाईलाइट कर दिए ताकि आपको आसानी से पता चल पाए। नेक्स्ट है कपिल तिवारी। गाइस कपिल तिवारी को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने के लिए पद्मश्री अवार्ड के लिए चुना गया है और पद्मश्री अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। डॉक्टर कपिल तिवारी मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला अकादमी के पूर्व निर्देशक भी रह चुके हैं और इनका जन्म कहां पर हुआ है? तो सागर में इनका जन्म हुआ है। सागर में जन्मे 68 साल के डॉक्टर कपिल तिवारी ने
लोक संस्कृति साहित्य से जुड़ी 39 किताबों का संपादन भी किया है। अभी ये वर्तमान में गाइस भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के सदस्य है और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का सलाहकार सदस्य भी है। तो वर्तमान में इस पद पर ये है, ये यहाँ पर है और पहले ये जो है आदिवासी लोक कला अकादमी के पूर्व निर्देशक भी रह चुके हैं। ध्यान रखिएगा 39 किताबों का संपादन भी ये कर चुके हैं। और सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि किस क्षेत्र में दिया गया है, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में इनको दिया गया है। भूरीबाई को हम अभी कवर किया है, कला के क्षेत्र में भूरीबाई को यह अवार्ड मिला है। नेक्स्ट है डॉक्टर पुरुषोत्तम दधीच इनका नाम है और कथक नृत्य गुरु है। ये है कथक नृत्य गुरु है डॉक्टर पुरुषोत्तम दधीच। इनको भारत सरकार की ओर से पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। इनका जन्म उज्जैन में हुआ है 17 जुलाई 1939 को। डॉक्टर दधीच ने 1961 में उज्जैन के माधव संगीत महाविद्यालय में प्रदेश में पहली बार कथक नृत्य की कक्षाओं की शुरुआत की थी। तो मध्य प्रदेश में पहली बार कथक नृत्य की कक्षाओं की शुरुआत किसने की थी, कहाँ पर की थी और कब की थी, क्वेश्चन बनेगा। तो डॉक्टर दधीच ने की थी, पुरुषोत्तम दधीच ने 1961 में कहाँ पर, उज्जैन के माधव संगीत महाविद्यालय में। तो यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आपके इस एक फैक्ट में से कवर हो रहे हैं गाइस। उसके बाद में 1972 में वे पीएससी के जरिए चुने गए देश के पहले सहायक प्राध्यापक थे। तो देखिए यहाँ पर देश के पहले सहायक प्राध्यापक बने, पीएससी के जरिए चुने गए थे। यहाँ पे क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो जाता है। इलाहाबाद संगीत समिति की ओर से डॉक्टर ऑफ म्यूजिक की उपाधि पाने वाले विश्व के पहले नृत्यकार थे। विश्व के पहले नृत्यकार कौन थे जिन्होंने डॉक्टर ऑफ म्यूजिक की उपाधि जो है पाई थी, तो इनका नाम आपको याद रखना है डॉक्टर पुरुषोत्तम दधीच। इलाहाबाद संगीत समिति की ओर से इनको ये उपाधि दी गई थी। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक फैक्ट इंपोर्टेंट है, जो फैक्ट इंपोर्टेंट था वही हमने यहाँ पर मेंशन किया है। नेक्स्ट है अब्दुल जब्बार। गाइस अब्दुल जब्बार जो है इनको 1984 भोपाल की जो गैस त्रासदी हुई थी, पीड़ितों के लिए लड़ने वाले कार्यकर्ता अब्दुल जब्बार को मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ध्यान रखिएगा 1984 में ये भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी, पीड़ितों के लिए लड़ने वाले कार्यकर्ता के रूप में इनको ये सम्मान दिया गया है। और इनका निधन कब हुआ है, 14 नवंबर 2019 को इनका निधन हो चुका है और मरणोपरांत इनको पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। 1984 की गैस त्रासदी में जब्बार ने अपने माता पिता और भाई को भी खो दिया था, वो खुद भी इस त्रासदी से पीड़ित थे। अब्दुल जब्बार डायबिटीज के मरीज थे लेकिन फिर भी वह समाज के लिए लड़ना नहीं भूले और लंबी बीमारी के बाद में 14 नवंबर 2019 को अब्दुल जब्बार का भोपाल के एक निजी हॉस्पिटल में जो है निधन हो गया था। अब्दुल जब्बार को मरणोपरांत मध्य प्रदेश सरकार का इंदिरा गांधी समाज सेवा पुरस्कार भी दिया गया था। काफी इंपोर्टेंट है, इनको इंदिरा गांधी समाज सेवा पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। और गाइस एक और चीज आप याद रखिएगा कि भोपाल जो गैस त्रासदी हुई थी ये कब हुई थी, 2-3 दिसंबर की रात को ये भयानक हादसा हुआ था। ध्यान रखिएगा भोपाल में हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था, करीब इसमें 15,000 से अधिक लोगों की जान जा चुकी थी। ध्यान रखिएगा ये 1984 में भोपाल गैस त्रासदी काफी इंपोर्टेंट है और यहाँ से 110% आपका क्वेश्चन बनेगा, या तो अब्दुल जब्बार से बन जाए ये भोपाल गैस त्रासदी से कोई फैक्ट उठा लिया जाए। क्लियर है, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डॉक्टर नेमनाथ जैन। गाइस डॉक्टर नेमनाथ जैन एक उद्योगपति है, एक बिजनेसमैन है ये और इंदौर शहर के समाज सेवी है। डॉक्टर नेमनाथ जैन इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ध्यान रखिएगा समाज सेवी के रूप में इनको जाना जाता है और उन्हें 2019 में आइकन ऑफ मध्य प्रदेश सम्मान भी मिल चुका है। तो आइकन ऑफ मध्य प्रदेश 2019 जो सम्मान मिला है ये डॉक्टर नेमनाथ जैन को मिला है। इसके अलावा 1983 में उद्योग पत्र अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है और 1987 में उद्योग विभूषण जैन रत्न जैन शिरोमणि का टाइटल भी इनको दिया गया था। गाइस ये 16 वर्ष की उम्र में ही विभाजन के बाद, जब विभाजन हुआ था भारत और पाकिस्तान का, उस टाइम पर विभाजन के बाद रिफ्यूजी की हैसियत से रावलपिंडी से इंदौर आ गए थे। मात्र 16 वर्ष की उम्र में ही यहाँ पर इंदौर ये आ गए थे और यहाँ पर इन्होंने जो है अपनी पढ़ाई को जारी रखा। बाद में इन्होंने प्रेस्टिज एजुकेशन फाउंडेशन की स्थापना की और वे प्रेस्टिज समूह के पितामह के रूप में जाने जाते हैं। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, प्रेस्टिज समूह के पितामह के रूप में किसे जाना जाता है, ये जाना जाता है नेमनाथ जैन को। एक और इंपोर्टेंट फैक्ट हम आपको बता दें, आपसे पूछा जाएगा कि प्रेस्टिज एजुकेशन फाउंडेशन के संस्थापक कौन है, तो ये है डॉक्टर नेमनाथ जैन, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। वर्ष 2000 में दक्षिण एशियाई के लीडिंग जर्नल ऑयल एंड फैट्स इंडस्ट्री ने उन्हें सोया मैन ऑफ द मिलेनियम का टाइटल भी दिया था। तो ये 2000 में दिया गया था सोया मैन ऑफ द मिलेनियम का टाइटल।
काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बनेगा क्योंकि इनको पद्मश्री से नवाजा गया है, और पद्मश्री से अगर इनको नवाजा गया तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में निकल कर आएंगे। और गाइस वे ट्रेड एवं इंडस्ट्री के क्षेत्र में मध्य प्रदेश से यह सम्मान पाने वाले पहले व्यक्ति है और एकमात्र व्यक्ति है, माफ कीजिएगा, तो एकमात्र यहाँ पर लग गया है, ये पहला लग जाता है, बात बराबर होती है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उनके द्वारा लिखित आत्मकथा कौन कौन सी है, ग्राउंड टू ग्लोरी इनकी आत्मकथा है, और जो कि अमेजन पर वर्ष 2016 में बेस्ट सेलर किताब की श्रेणी में शामिल हुई है। ध्यान रखिएगा इनकी आत्मकथा भी पूछी जाएगी, ग्राउंड टू ग्लोरी, क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे डॉक्टर लीला जोशी। गाइस डॉक्टर लीला जो जोशी है ये शहर की स्त्री रोग विशेषज्ञ है, और इनको जो है 82 वर्ष की उम्र में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है, क्लियर है, इनको पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है 82 वर्ष की उम्र में, और ये स्त्री रोग विशेषज्ञ है। याद रखिएगा गाइस एक और चीज आपको बता दें, ये रतलाम शहर में स्त्री रोग विशेषज्ञ है, और आज भी इन्हें जो है मालवा की मदर टेरेसा के नाम से जाना जाता है। एक गाइस काफी टाइम पहले इनकी जो मुलाकात है मदर टेरेसा से हुई थी, तो उसी कारण या फिर मालवा की मदर टेरेसा समाज सेवा के कारण इनको जो है कहा जाता है, तो मालवा की मदर टेरेसा कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। साथ ही बता दें आपको कि डॉक्टर लीला जो जोशी इनका जन्म कहाँ पर हुआ है, तो रतलाम में हुआ है 20 अक्टूबर 1938 को। इसके अलावा गाइस पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर प्रणब मुखर्जी ने 2016 में देश की 100 सफल महिलाओं में भी उन्हें सम्मानित किया था डॉक्टर लीला जोशी को, और वे आदिवासी अंचल में एनीमिया से पीड़ित महिलाओं का मुफ्त इलाज करती है, और समाज सेवा के कारण ही इनको जो है पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर लीला जोशी इनका नाम है, मालवा की मदर टेरेसा उपनाम से इनको जाना जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा सभी जितने भी पद्म पुरस्कार हमने कवर किए हैं एक एक इंपॉर्टेंट है, और एक एक में से करीबन मान के चलेगा सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है, सारे में से क्वेश्चन बन सकते हैं। गाइज आपको बता दें अगर आपने अभी तक एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, और इनमें से अगर कोई कोर्स परचेज करना चाहते हैं आप तो इन पर काफी अच्छा स्पेशल ऑफर चल रहा है, इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी जहां से आप डेमो भी चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप कुछ क्वेरीज है आपकी तो आप हमें वहीं पर एप्लीकेशन में ही कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, चैटिंग के माध्यम से आपकी वहां पर पूरी हेल्प की जाएगी। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा कैसा नहीं लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर से बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से करें ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले, और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाने की पूरी कोशिश करें। अगर आप और कोई भी वीडियो चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आज के स्टूडियो में बस इतना ही गाइस, मिलते हैं एक नए स्टडी वीडियो के साथ, तब तक लीजिए वंदे मातरम।